हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कार्डियक आउटपुट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हार्ट साउंड्स। तो आज इन दोनों टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है, तो डेफिनेशन क्या होगा? कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। भाई, एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर पंप कर देता है, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमें दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला हमारे पास होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ना हो के पर हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के अंदर एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर निकलता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि होता है हमारा 70 ml, एक हार्ट बीट में एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर निकलता है। प्लस दूसरा हमें पता होनी चाहिए हार्ट बीट पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितनी हार्ट बीट होती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है? तो हमारी जो हार्ट बीट होती है बेटा, वो होती है 72 बीट्स पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया हमारे पास 70 ml। तो अगर कार्डिक आउटपुट हमें निकालनी हो तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट मीन्स 70 ml × 72, ये आता है हमारे पास 5040 ml, मीन्स 5 लीटर। 5 लीटर इज द कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट के अंदर वेंट्रिकल से अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड पंप कर दिया जाता है। अब देखो बेटा, ये हमारे पास हुआ कार्डियक आउटपुट कितना होता है। द बॉडी इज एबल टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। जो हमारी बॉडी होती है ना बेटा, वो इस स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती है, एज वेल एज द हार्ट रेट। और इस हार्ट रेट को भी हम क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये दोनों कैपेबिलिटी होती है। अगर हम इन दोनों ही चीज को चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम कार्डियक आउटपुट को भी चेंज कर सकते हैं। देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, इसको भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। जो एक एथलीट होता है ना बेटा, उसकी कार्डियक आउटपुट एक ऑर्डिनरी मैन से काफी ज्यादा होने वाली है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डियक आउटपुट कैन इंक्रीज अप टू 5 फोल्ड। मीन्स भाई, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कार्डियक आउटपुट 5 गुना तक बढ़ सकती है। जैसे नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 5 लीटर पर मिनट, तो ये कितनी हो सकती है, 25 लीटर पर मिनट तक जा सकती है, क्योंकि 5 फोल्ड इंक्रीज हो सकती है। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू इंक्रीज इन दी हार्ट बीट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बेटा मेनली हमारा क्या इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट नॉर्मल तो कितना है, 72, इससे बढ़कर अगर मान लो हमारा रेट 90 चला गया, 100 चला गया हार्ट रेट, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज इन द हार्ट रेट विच इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू दी स्केलेटल मसल्स। द हार्ट रेट कैन हाउएवर इंक्रीज ओनली अप टू मैक्सिमम वैल्यू। बट हार्ट रेट को हम एक मैक्सिमम लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, विच इज डिटरमाइंड मेनली बाय द पर्सन्स एज, जो कि पर्सन की एज के बराबर होता है। जो कि अडल्ट इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर हार्ट रेट को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन ओल्ड एज के अंदर हार्ट रेट को ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता। इन वेल ट्रेन्ड एथलीट्स द स्ट्रोक वॉल्यूम कैन ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। भाई, अब जो एथलीट होते हैं ना, उनके केस में देखना बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम मेनली इंक्रीज होता है, अलाउिंग द इंडिविजुअल टू अचीव कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग दिस ट्रेनर्स एक्सरसाइज अप टू 6 to 7 times ग्रेटर देन देयर रेस्टिंग वैल्यू। तो क्या है भाई, अब हमारे पास जो ट्रेन्ड एथलीट है उसके केस में स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है जब वो एक्सरसाइज करते हैं। कितनी, 6 से 7 गुना, 6 to 7 times, किससे के किसके कंपैरिजन में, रेस्टिंग स्टेज, उनकी रेस्टिंग स्टेज के कंपैरिजन में 6 to 7 times उनकी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है एथलीट्स के केस में, मेनली किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। दिस हाई कार्डियक आउटपुट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू एक्सरसाइजिंग मसल्स, जिसके कारण क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ गई और उनके जो मसल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके पास ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ जाती है। दिस इज मेजर रीजन फॉर मच हायर
देन द एवरेज मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक ऑफ एलाइड एथलीट। ठीक है बेटा, अब देखो, द रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेडेंटरी इंडिविजुअल, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल जो एक्सरसाइज नहीं करता। तो रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, जब एक एथलीट रेस्ट कर रहा है उस टाइम पर उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स। जो एथलीट होता है ना बेटा, उसके केस में वो इतनी एक्सरसाइज कर चुका होता है कि उसकी हार्ट मसल्स का नंबर और साइज, बेसिकली साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज होने को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, जो मसल्स का साइज इंक्रीज हो गया। सो अगर मसल्स का साइज इंक्रीज हो गया तो मसल्स ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और अगर बेटा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रीजन हुआ एथलीट के केस में स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनके केस में हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स हो जाती है। द रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एथलीट, अब जब एथलीट रेस्ट कर रहा होता है तो उसका हार्ट रेट कितना था, 40 to 60 टाइम पर मिनट, विच इज लोअर देन, जो कि कम होता है एज कंपेयर टू हार्ट रेट ऑफ सेडेंटरी इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंडिविजुअल। नॉर्मल इंडिविजुअल में कितना आता है, 672 टाइम्स पर मिनट। अब देखो बेटा, जो हमारे पास एथलीट होता है उसके केस में स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, ये रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ। नेचर ने क्या किया, अगर उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए उसकी हार्ट बीट को कम कर दिया। अब आप रीजन पूछोगे कि इसकी हार्ट बीट कम क्यों हो गई, बेटा मसल जो है उनका साइज बढ़ गया। अगर साइज बढ़ गया उनको कॉन्ट्रैक्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो गए। लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट, और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वो रहता है नॉर्मल। तो क्या हुआ बच्चों, हमारे पास जो नॉर्मल इंडिविजुअल उसके केस में हार्ट बीट ज्यादा है, और जो एथलीट है उसके केस में क्या ज्यादा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है। तो नेचर ने दोनों के केस में कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करके रखा है। एथलीट के केस में क्या ज्यादा हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम, तो हार्ट रेट कम हो गया। नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया तो हार्ट रेट ज्यादा हो गया। द हायर स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज कैंसल्ड आउट बाय लोअर हार्ट रेट, रिजल्टिंग इन द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट बीइंग सिमिलर टू दैट ऑफ सेडेंटरी इंडिविजुअल। यही पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो दैट्स इट, यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। अब बेटा हम सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसको बोला जाता है हार्ट साउंड। अब हार्ट साउंड क्या होता है, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल मेनली टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप। जब कार्डियक साइकिल हो रही होती है बेटा तो उस टाइम पर दो, मेनली दो साउंड प्रोड्यूस होती है जिनको हम स्टेथोस्कोप, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर अपने गले में टांग के रखते हैं, उसके थ्रू सुन सकते हैं, ठीक है, उनको ही बोला जाता है हार्ट साउंड। फोनोकार्डियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ हार्ट साउंड्स बाय मेकिंग देम ऑन ग्राफ। अगर हम इन हार्ट साउंड्स को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फोनोकार्डियोग्राफी। अब देखो बेटा, हमारे पास स्पेसिफिकली दो टाइप के हार्ट साउंड होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज, पहले को बोला जाता है लब, एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज डप। देखो बेटा, फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है, लब, सेकेंड हार्ट साउंड डप। अब ये मैंने ग्राफ बनाया किसके लिए, लब के लिए। तो लब के केस में देखा बेटा, जो टाइम है एक्स एक्सिस पर टाइम, इसका टाइम ज्यादा है लेकिन इंटेंसिटी या पिच इसकी क्या है, कम है। जबकि हमारे पास सेकंड के टाइम में क्या होता है, टाइम इसका कम होता है, इंटेंसिटी इसकी या पिच इसकी ज्यादा होती है। सो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है वो डल, लो पिच की होती है, एंड अकर्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, 0.15 सेकंड के लिए होती है। जबकि सेकंड हार्ट साउंड शार्पर होती है, हाई पिच होती है इसकी, बट अकर फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, 0.1 सेकंड के लिए होती है। हमारे पास ये जो लब साउंड है वो कब होती है, occurs at the beginning of ventricular systole. जब ventricles का contraction start होता है तो उस time पर first heart sound lub produce होती है, जबकि occurs at the beginning of ventricular diastole. जब ventricular relax करने लगते हैं तो उस time पर second heart sound dub का production होता है, caused by, अब देखो lub होती क्यों है, जब हमारे पास ventricular contraction start होता है, मीन्स वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन शुरू होगा, तब हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व बंद होते हैं। सो ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व कौन सी साउंड आती है, लब, फर्स्ट हार्ट साउंड। और जब हमारे पास क्लोज होते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व, कब, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करने लगते हैं,
तो सेमिलिनर वेल्व के क्लोज होने के टाइम पर जो साउंड आती है उसको डप साउंड बोला जाता है। तो ये दो मेनली हार्ट साउंड थी बच्चा हमारे पास, लव एंड डप। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है आफ्टर सेकेंड हार्ट साउंड, व्हेन वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग देन एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ओपन्स एंड द ब्लड कलेक्टेड इन द ओरिकल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन मूव सडनली डाउनवर्ड प्रोड्यूसिंग थर्ड हार्ट साउंड। अभी थर्ड हार्ट साउंड के बारे में क्या बता रहा है हमारे पास, देखो जब सेकेंड हार्ट साउंड क्यों आती है, अभी हमने बताया किसकी क्लोजिंग के कहा है, सेमिल्यूनर वेल्व जो कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम पर क्लोज होते हैं। तो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हुई, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, सेमिल्यूनर वेल्व जो थे हमारे पास ये तो क्या हो गए, क्लोज हो गए। लेकिन अब जैसे ही वेंट्रिकल्स और रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व थे ये ओपन होंगे और ओरिकल्स में जितना भी ब्लड कलेक्टेड है वो एकदम से नीचे सडनली मूव करेगा फ्रॉम ओरिकल टू वेंट्रिकल, जिसके कारण हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, व्हेन एट्रियल सिस्टोल अकर्स देन ब्लड मूव्स विद प्रेशर फ्रॉम ओरिकल टू वेंट्रिकल क्रिएटिंग फोर्थ हार्ट साउंड। जब ओरिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है स्टार्टिंग में तो ओरिकल से ब्लड मूव करता है वेंट्रिकल में विद प्रेशर, एक साथ जब ये ब्लड मूव करेगा तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको बोला जाता है फोर्थ हार्ट साउंड। नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव डिफेक्टिव हार्ट साउंड्स ड्यू टू डिफेक्ट इन दी हार्ट वेल्व्स इज नोन एज हार्ट मर्मर्स। अगर हार्ट के वेल्व्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे ब्लड लीक होगा और उस लीकेज के कारण जो आवाज आने वाली है उसको हार्ट मर्मर्स बोला जाता है। द हार्ट साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, जो हार्ट साउंड है वो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस शो करती है। मींस अगर आपके हार्ट साउंड नॉर्मल आ रहे हैं मतलब आपका हार्ट हेल्दी अच्छे से वर्क कर रहा है, अगर आपके हार्ट साउंड में कोई डिफेक्ट है मतलब आपके हार्ट की फंक्शनिंग में भी कोई ना कोई डिफेक्ट है। दैट्स इट। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है किसका, हार्ट साउंड्स का। स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।